तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्लीट डेंचर को बनाने में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग्स। There are two procedures for the fabrication of complete denture. Firstly, the clinical procedure and second is the laboratory procedure. Clinic में जो हम काम करते हैं patient के ऊपर वो clinical procedure होता है। Laboratory procedure में क्या होता है, जैसे हम model बनाते हैं, teeth setting करते हैं, वो सब laboratory procedure के अंदर आता है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से clinical procedures होते हैं। Firstly, diagnosis and treatment planning. Second, mouth preparation. Third, प्राइमरी इंप्रेशन। फोर्थ, सेकेंडरी इंप्रेशन। फिफ्थ, जॉ रिलेशन। सिक्स्थ वन इज ट्राई इन। सेवन, डेंचर इंसर्शन। एंड लास्ट वन इज पोस्ट इंसर्शन रिव्यू एंड मेंटेनेंस। लेबोरेटरी प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है प्राइमरी कास्ट, दूसरा होता है फैब्रिकेशन ऑफ कस्टम ट्रे या फिर इसे हम स्पेशल ट्रे भी बोलते हैं। तीसरा होता है मास्टर कास्ट। फोर्थ, ऑक्लूजन रिंग। फिफ्थ, आर्टिकुलेटर। सिक्स्थ वन इज अरेंजिंग ऑफ आर्टिफिशियल टूथ एंड द लास्ट वन इज प्रोसेसिंग ऑफ अ डेंचर। अगर आपने कंप्लीट डेंचर का मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट डेंचर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से सर्फेसेस होते हैं, तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करिए और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आता है और मुझसे बोलता है कि सर मेरे को डेंचर बनाना है, सबसे पहला जो स्टेप मैं फॉलो करता हूँ वो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। सबसे पहले हम पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं, क्या उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, मेंटल एटीट्यूड कैसा है उसका। जब हम पेशेंट को इवेल्युएट कर लेते हैं उसके बाद हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हम जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जैसे पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, कोई हैबिट तो नहीं है टबैको, पान मसाला ये सब खाने का। जनरल इंफॉर्मेशन के बाद हम लेते हैं मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में ज्यादातर हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, माउथ में कोई मेलिग्नेंसी तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, या फिर आपकी शुगर, बीपी और थायराइड की ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री के बाद हम डेंटल हिस्ट्री भी लेते हैं। डेंटल हिस्ट्री में ज्यादातर हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपके टूथ जो है कितने टाइम हो गया है कि आपके दांत नहीं है, कैसे गिर गए आपके दांत, क्या प्रॉब्लम थी आपके दांतों में जिसकी वजह से आपके दांत सारे गिर गए। उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन जो है दो तरीके से किया जाता है, एक होता है इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन। इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में जो पेशेंट का माउथ के अंदर जो म्यूकोजा होता है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, दूसरा जो रेसिडुअल एल्वियोलर रिज होता है उसकी बनावट कैसी है, कम है, ज्यादा है, फ्लैबी है, उसके बारे में चेक करते हैं। ताल, पैलेट कैसा है, डीप है कि नॉर्मल है, ये सब उसको देखा जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो फेशियल एग्जामिनेशन किया जाता है। फेशियल प्रोफाइल कैसा है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये सब देखा जाता है। दूसरा, लिप का एग्जामिनेशन किया जाता है, जो मस्कुलर एग्जामिनेशन, मसल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, प्राइमरी इंप्रेशन। प्राइमरी इंप्रेशन जो है एक तरीके का आपके माउथ का रेप्लिका है, जो भी बनावट, जैसी भी आपके माउथ की जो बनावट है, रिज की बनावट है, वो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। प्राइमरी इंप्रेशन का जो पर्पस होता है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए होता है, और दूसरा कस्टम ट्रे को बनाना भी तो है, हवा में थोड़ी ना बनाएंगे, तो उसके लिए पहले मुंह का छाप लेना पड़ता है। इंप्रेशन को लेने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो एल्जिनेट होता है और इंप्रेशन कंपाउंड होता है। प्राइमरी इंप्रेशन तो ले लिया, मुंह का छाप ले लिया, तो उसका हम बनाएंगे कास्ट। प्राइमरी कास्ट बनाते हैं और ये हम बनाते हैं पीओपी की मदद से। जब हमारा प्राइमरी कास्ट तैयार हो जाता है अब उसके ऊपर हम बनाते हैं कस्टम ट्रे, जिसे हम स्पेशल ट्रे भी बोलते हैं।
जो स्पेशल ट्रे हम बनाते हैं उसका यूज करते हैं हम लोग बॉर्डर मोल्डिंग में और फाइनल इंप्रेशन लेने के लिए। जब स्पेशल ट्रे आपका रेडी हो जाता है बन करके और पेशेंट के माउथ में एक बार हम लोग फिट करके चेक कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब स्पेशल ट्रे पूरी तरीके से रेडी हो जाता है फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं बॉर्डर मोल्डिंग। हमारे माउथ में बकल वेस्टिब्यूल लेबियल वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं। बॉर्डर मोल्डिंग जो है हम ग्रीन स्टिक कंपाउंड की मदद से करते हैं और एक पेरिफेरल सील क्रिएट कर लेते हैं। जब भी आप बात करते हैं या खाना खाते हैं तो आपका डेंचर गिरता नहीं है, वो इसलिए नहीं गिरता है, उसमें रिटेंशन आ जाता है और स्टेबिलिटी आ जाती है और ये जो है बॉर्डर मोल्डिंग की वजह से होता है। बॉर्डर मोल्डिंग कंप्लीट करने के बाद हम फाइनल इंप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और फाइनल इंप्रेशन जो है जिंक ऑक्साइड यूजनॉल पेस्ट की मदद से लिया जाता है। दो ट्यूब जैसी होती है, एक बेस होता है एक कैटलिस्ट होता है। दोनों ट्यूब को इक्वल क्वांटिटी में हम लोग निकालते हैं और मिक्स करते हैं और लोड कर देते हैं स्पेशल ट्रे के ऊपर। फाइनल इंप्रेशन लेने के बाद हम तैयार करते हैं मास्टर। आपने जब प्राइमरी इंप्रेशन हम लोग ने लिया था उसके बाद प्राइमरी कास्ट बनाया था, तब जो फाइनल इंप्रेशन लेंगे मतलब कि सेकेंडरी इंप्रेशन लेंगे तो आप मास्टर कास्ट बनाएंगे। मास्टर कास्ट जो है हम डेंटल स्टोन की मदद से बनाते हैं और प्राइमरी कास्ट जो है हम पीओपी की मदद से बनाते हैं। जब मास्टर कास्ट हमारा बन के रेडी हो जाता है तो उसके ऊपर हम बनाते हैं ऑक्लूजन रिम जो कि रिकॉर्ड करता है मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप को, और उसके बाद दांत भी तो अरेंज करने हैं तो उसके ऊपर अरेंज करते हैं। ऑक्लूजन रिम को बनाने के बाद हम जो है जॉ रिलेशन करते हैं और जॉ रिलेशन करने के बाद इसको ट्रांसफर करते हैं आर्टिकुलेटर पे जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि रिप्रेजेंट करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को और जॉ मेंबर्स को। जब आर्टिकुलेटर पे दोनों कास्ट हम आर्टिकुलेट कर देते हैं उसके बाद हम अरेंज करते हैं आर्टिफिशियल टीथ को। उसके बाद हम जो है पेशेंट के माउथ में चेक करते हैं उसी रिलेशन को जो कि आपके आर्टिकुलेटर पे आ रहा है। अगर दोनों का रिलेशनशिप सेम होता है आर्टिकुलेटर और माउथ में तो इसका मतलब जो है सब ओके है। अगर कुछ करेक्शन करना है तो इस पॉइंट पे हम करेक्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, प्रोसेसिंग की तरफ। जब पेशेंट फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसका लुक बहुत अच्छा है, उसकी टीथ सेटिंग अच्छी दिख रही है, स्माइल करने में उसके टूथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहनने में कंफर्टेबल है और डेंटिस्ट को भी लगता है कि जो मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशन जो आर्टिकुलेटर पे आया है वही सेम पेशेंट के माउथ में आया है, तो फिर हम फाइनल प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद डेंचर जो है परमानेंटली पेशेंट को मिल जाता है। जब हम डेंचर पेशेंट के माउथ में फर्स्ट टाइम इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अडेप्टेशन को देखते हैं, डेंचर कैसे अडेप्ट हो रहा है, कंफर्टेबल पेशेंट को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरा हम चेक करते हैं बॉर्डर और पेरिफेरल एक्सटेंशंस को। तीसरा हम चेक करते हैं रिटेंशन कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है डेंचर की, देखने में कैसा लग रहा है डेंचर एस्थेटिक, और आखिरी में ऑक्लूजन। ऑक्लूजन चेक करते हैं कहीं हाई पॉइंट तो नहीं है, कुछ अगर होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं कंप्लीट डेंचर को बनाने में। अगर हर स्टेप को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हर स्टेप का एक अलग वीडियो आएगा, कैसे हम जॉ रिलेशन लेते हैं, कैसे हम आर्टिकुलेट करते हैं, फेसबो ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सब चीजें हैं, ये सब एक टॉपिक है, इन सब का वीडियो आएगा आने वाले दिनों में। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।